राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों की बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, माता के नवरात्रों की आप लोगों को ढेरों 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 बधाइयां। और ये नौ दिन के नौ दिए आपके जीवन में नौ गुना फल लेकर आएंगे। आपके जीवन में पैसा, प्यार, मान सम्मान, संपन्नता, समृद्धि और जो है संतुष्टि आपको इस बार मिलकर ही रहेगी। तो क्या करना है आपको, कौन सी माता के लिए कौन सा आपको दिया जलाना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को नोट कर लीजिए, पेपर और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और इसको जो है आप देखते रहिए या इसको बार बार रिमाइंड करके देखिएगा कि कौन सी माता का कौन सा दिया आपको किस दिन जलाना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं नवरात्रों की और माँ शैल पुत्री का पहला है नवरात्रा। माँ शैल पुत्री आपको पता है कि चंद्रमा के दोषों को दूर करती है। कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा किसी केतु राहु से पीड़ित है, चंद्रमा आपका कहीं पर भी खराब है या फिर आपके पास कुंडली नहीं है और आपके दिमाग जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मूड जो है वो स्विंग हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता मुझे करना क्या है, आप हमेशा पूरा दिन जो है वो परेशान रहते हैं, तो चंद्रमा आपका खराब है। तो आज के दिन आपने एक दिया लेना है और दिए में आपने जो है देसी घी डालना है और देसी घी का दिया लगाकर आपने जो है क्या करना है, उसमें आपने आज के दिन आपने माता को दो चुटकी हल्दी डालकर आपने वो दिया जो है साउथ की डायरेक्शन में जाकर जला देना है। अगर साउथ ईस्ट हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो साउथ की डायरेक्शन में आपने ये दिया जो है वो जला देना है। और उसके बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होगा, जो लोग डायरेक्शंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं वो लोग अपने मंदिर में ये दिया जलाएं, माता की मूर्ति के आगे दिया जलाएं और आप देखें उसके बाद जीवन में किस प्रकार से आपके चमत्कार होता है। दूसरा नवरात्रा है हमारा माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी आत्मविश्वास, आत्मबल, कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाली माता होती है माँ ब्रह्मचारिणी और ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है। मंगल कुंडली में आप मांगलिक है, मंगल खराब है, आपके जीवन में जोश नहीं रहता है, आपके कोई काम बनते ही नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रही है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, उस दिए के अंदर, देसी घी के दिए के अंदर आपने उसमें दो ड्रॉप्स आपने जो है शहद की डालकर आज जला देना है और रोली ले लीजिए, रुई की बत्ती ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देसी घी का दिया जलना चाहिए आज दूसरे नवरात्रि पे माँ ब्रह्मचारिणी पे। और साथ में आपने क्या करना है, साथ में अगर आपको अगर बाय चांस शहद नहीं मिलता है तो आप क्या करें, आप थोड़े से चीनी के दाने जो है वो डाल लीजिए, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपके जीवन में मांगलिक ही मांगलिक कार्य जो है आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरे नवरात्रि की। तो माँ चंद्रघंटा के नवरात्रि की, सौंदर्य की देवी है माँ चंद्रघंटा और जीवन में आकर्षण जो है आपका अट्रैक्शन पावर को बढ़ाती है, भौतिक सुख सुविधाओं को देती है। और ये आप जैसे मैंने सौंदर्य की बात की तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी माता की बात, कौन से ग्रह की बात हो रही है। जी हाँ, बात हो रही है शुक्र प्लैनेट की। तो शुक्र को आपने ठीक करने के लिए आज के दिन दिया जलाना है, साउथ ईस्ट में जला लीजिए, अपने घर के मंदिर में जला लीजिए। आपने उस दिए के अंदर, देसी घी के दिए के अंदर दो लौंग डालनी है। तो मैंने आपको बताया माँ शैलपुत्री का, माँ ब्रह्मचारिणी का और माँ चंद्रघंटा का। तो ये तीन आपने जो है प्रयोग करने हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नवरात्रे की। तो चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का, जो सूर्य ग्रह को प्रेजेंट करती है, सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करती है माता। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है या वो जो है बार बार अपमान के शिकार हो जाते हैं जो लोग, उनको आज क्या करना है, देसी घी का दिया लेना है और उसमें हरी इलायची आपने जो है वो डालनी है। और हरी इलायची ना हो तो तेज पत्ता डाल लीजिए और ये आपने जो है माता के आगे मंदिर में या फिर साउथ की डायरेक्शन में या फिर ईस्ट की डायरेक्शन में आप जला लीजिए। माँ कुष्मांडा के लिए ईस्ट डायरेक्शन में आप जला सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं माँ स्कंद माता के लिए। तो स्कंद माता की अगर हम बात करें तो देवी बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है स्कंद माता। देवी बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है, बुद्ध देव जो है वो बुद्धि के, विवेक के, कॉन्फिडेंस के, पावर के, व्यापार के, कॉमन सेंस के कारक होते हैं और बिजनेस के भी कारक होते हैं। व्यापार नौकरी के लिए बुद्ध देव को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो माँ स्कंद माता देवी के आगे आपने जो है किस चीज का दिया जलाना है, जी हाँ, दिया लेना है और उसमें देसी घी डालना है और उसमें डालनी है आपने दो काली मिर्च। जी हाँ, दो काली मिर्च जलाकर आज ये दिया जला दीजिए
और ये दिया जो है आप नॉर्थ की डायरेक्शन में जला दीजिए, या आप ईस्ट की डायरेक्शन में जला लीजिए, या अपने घर के मंदिर में जला लीजिए, ये आप कीजिए, इससे आपको बहुत बहुत राहत मिलेगी। लेकिन साउथ में दिया ये नहीं जलाना है। तो हमने बात की मां स्कंद माता की, अब हम बात करेंगे मां कात्यायनी की। छठा नवरात्र मां कात्यायनी का है, बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। बृहस्पति क्या है? आपके घर की बरकत है, आपका सोना है, बृहस्पति आपका जो है जमा की हुई पूंजी है, संचित धन है आपका बृहस्पति, आपके घर में होने वाली बरकत है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है अगर आप ठीक करना चाहते हैं, जीवन में संयम धैर्य और प्रसिद्धि पाते हैं पाना चाहते हैं, तो बृहस्पति के लिए आपने क्या करना है, आज के दिन आपने आपने आज के दिन क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी और एक कपूर की टिक्की आपने जो है कि उसके दिए के अंदर जो है वो जला देनी है, और इससे आपको बहुत बहुत राहत जो है वो मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सप्तम नवरात्रे की, और सातवां नवरात्र है मां काल रात्रि का। तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी जिन जिन्नाद भूत प्रेत इन सब से छुटकारा दिलवाती है मां कात्यायनी देवी। शनि का स्वरूप है और शनि देव की पीड़ा, चाहे वो साढ़े साथी के रूप में हो, चाहे वो ढैया के रूप में हो, चाहे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की हो, तो आज के दिन आपने एक साबुत सुपारी को आपने जो है दिए में डालकर जलानी है, और ये दिया जो है आपने घर के मंदिर में जलाइए, या फिर कालरात्रि का दिया आप साउथ की तरफ जला लीजिए या वेस्ट की तरफ जला लीजिए, तो आपको अच्छे शुभ फल मिलेंगे। कुछ समझ में ना आए, वेस्ट साउथ समझ में ना आए, तो मंदिर में जला लीजिए। तो यहां पर सुपारी आपने ऐड करनी है। तो सात नवरात्रे हमारे आप कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं सात नवरात्रे हो गए। अब मैं बात करूंगी आठवें नवरात्रे के बारे में। तो बात कर लेते हैं मां गौरी के आठवें नवरात्रे के बारे में। आपको बताने जाती हूँ कि राहु को रिप्रेजेंट करती है मां गौरी, और जीवन में अव्यवस्थित जो लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं वो राहु को जो है वो करते हैं, राहु ग्रह उनका खराब होता है जो लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइज नहीं है और काम आपके बनते नहीं है, अचानक आपके साथ सडन घटनाएं घट जाती है, अचानक आपका कोई खर्चा आता है, तो आपने क्या करना है, एड रोली 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 मतलब कि जो लाल वाला जो पाउडर होता है जिसको आप माथे पर सिंदूर और तिलक करते हैं, तो वो आपने रोली आपके घर में हमेशा मिल जाएगी। तो वो रोली आपको जो है वो करनी है, ऐड करनी है, थोड़ी सी रोली ऐसे चुपके से रोली डाल दीजिए, और देसी घी का दिया माँ महागौरी के आगे, और महागौरी का स्वरूप आप लोग जानते हैं कि कितना सुंदर और कितना जो है इतनी उनके फेस पर मासूमियत है महागौरी के, तो वो आपने करना है। तो आप राहु को नियंत्रण में ले आएंगे, राहु आपका कंट्रोल हो जाएगा। राहु कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, चाहे आठवें भाव में क्यों ना हो, चाहे चौथे भाव में क्यों ना हो, का कंट्रोल होकर, और राहु किसे डरता है, मंगल से, तो आप जो है राहु को कंट्रोल करने के लिए दिया जलाएं, और इसमें छोटी सी चुटकी भर सिंदूर आप डाल लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा आपके जीवन में, सुख शांति जो है मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिरी नवरात्रे यानी कि मां सिद्धिदात्री के लिए। सिद्धिदात्री यानी केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। केतु ग्रह आपके घर में, केतु आपके जीवन में, केतु से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप सोचते हैं कि मैं ऊपर चढ़ गया, सांप काटता है और नीचे पहुंच जाते हैं, तो वो केतु की दिक्कत होती है। मुझसे बड़े सारे लोग पूछते थे, तो मैंने आज आपको बता दिया, केतु आपको बार बार ऊपर चढ़ाकर सीढ़ियों पर बार बार नीचे लेकर आता है, कोई ऐसा लगता है कोई टांग पकड़ के हमारी नीचे खींच लेता है। तो क्या करना है आपको, आज देसी घी का दिया और साथ में एक रुपए का सिक्का, देसी घी का दिया और साथ में एक रुपए का सिक्का डाल दीजिए, एक का नहीं मिले तो पांच का डाल दीजिए, दस का डाल दीजिए, और उसे जो है अचानक बीमारियों को भी ठीक होंगी आपकी, अचानक बीमारी, अचानक कोई दुर्घटना, अचानक कोई आकस्मिक कोई प्रॉब्लम, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर होने वाली है। तो ये आपने जो है डाल देना है, और उसके बाद ये जलाना है, और उसके बाद माँ से प्रार्थना करनी है मन ही मन में कि माँ इस बार मुझे जो है खुशियां दे, बरकत दे, सुख दे, समृद्धि दे, माँ हम तेरे बच्चे हैं, और हमारे जीवन में सुख शांति लाए। सुख शांति आएगी, पैसा अपना भाग भाग के आएगा, पैसे के पीछे नहीं भागने का है, सुख शांति के पीछे भागने का है। जहां पर रिद्धि सिद्धि होती है वहीं पर धन के भंडारे जो है बढ़ते हैं। तो इन नौ दियों के प्रयोग से माता रानी आपके घर आने से इनकार नहीं कर पाएगी, आकर ही रहेगी। तो करके देखिए चमत्कारी दियों के नौ उपाय। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हम लोग जो है पोटली स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ये काल रात्रि में बनेंगी पोटलियां। जिन लोगों को भी तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी जिन जिन्नात भूत प्रेत आदि की दिक्कत परेशानी है,
या फिर मनी फ्लो कुबेर की परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, तो वो लोग अपनी पोटली को कुबेर काली, काली कुबेर पोटली को, माँ काली और कुबेर पोटली को मंगवा सकते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके, इसके साथ में एक और स्कीम भी है, तो वो संपर्क करके आप पूरी पूछ सकते हैं। दर्शकों, राधे राधे, जय माता दी।